छिंदवाड़ा जिले के परासिया से हाजी का जत्था रवाना हुआ, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। परासिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव इकलहरा, बड़कुई, परासिया, चांदा मेटा, न्यूटन से हज के लिए 35 हाजियों का जत्था बड़ी ही धूमधाम से रवाना हुआ। हाजी ने बताया कि हम हज के साथ ऊपर वाले से हिंदुस्तान के अमन चैन और शांति के लिए दुआ भी मांगेंगे, जिससे हमारे देश में अमन चैन शांति बनी रहे। 2 साल से कोरोना काल की वजह से हाजी लोग हज को नहीं जा सके थे। 2 साल बाद अवसर मिलने के पश्चात भारी संख्या में कोयला अंचल से हाजी हज करने के लिए आज रवाना हुए हैं। परासिया अंजुमन की ओर से तमाम जो परासिया के हाजी हजरात जा रहे हैं, लगभग 35 से 37 हाजी जा रहे हैं हज को, उनसे यही दुआ करवाने के लिए बोले हैं कि हज में रोजे मुबारक के सामने खड़े होकर आप यही दुआ करें कि देश में अमन चैन बना रहे और हमारे छिंदवाड़ा जिले परासिया में भी अमन चैन बना रहे और सब सुख शांति से रहें। हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट दोनों के मिला के तकरीबन 34 हज कराम हो रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो जज्बा बना हुआ है, ये अल्लाह अपना ही इस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में आइंदे सालों में और हजाज कराम हमारे इलाके से सफ़र करें। और साथ ही साथ हमारे हजाज करामों का ये एक मामूल भी रहा है कि जब भी गए हैं तो हमारे इलाके के लिए, हमारे शहर और हमारे मुल्क के अमन चैन सुकून और शांति के लिए इन्होंने दुआ फरमाई है और इस बार भी दुआ फरमाएंगे और अल्लाह इनकी दुआओं को तुफैल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून और शांति अदा फरमाए। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।